ये आप देख सकते हैं, ये सिंपल लैंड क्रूजर है। और ये आ जाती है हमारे पास लेमोजीन। अब डिफरेंस देख सकते हैं कि बेसिक लैंड क्रूजर और इस लेमो लैंड क्रूजर में कितना ज्यादा लेंथ का फर्क है। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाओल जावेद कैसे। तो गाइस, आज आपके लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग गाड़ी का रिव्यू लेके आया। बेसिकली आपने एक ओरिजिनल टोयोटा लैंड क्रूजर V8 तो देखी होगी, वो जो कि एक SUV है बहुत ही पॉपुलर टोयोटा की, टोयोटा लैंड क्रूजर। और आज जिस गाड़ी का आपके लिए हम रिव्यू लेके आए हैं वो टोयोटा लैंड क्रूजर लेमो है, मतलब कि टोयोटा लैंड क्रूजर लेमोजीन है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग व्हील बेस होती है लेमोजीन। आपको पता ही होगा कि मतलब कि काफ़ी लग्जरी लॉन्ग व्हील बेस सेडान्स होती हैं, जो कि लोग अक्सर जो है ना काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, लग्जरी उसकी। काफ़ी जिस तरह आप अंदर देख रहे हैं, पूरा इसका रूम पूरी तरह से पार्टी का माहौल बना और पूरा मतलब कि सारी फैसिलिटीज दी गई है। आप अगर मतलब कि वेडिंग वगैरह पे लेके जाना चाहते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं लैंड क्रूजर अपनी वेडिंग में लेके जाऊँ या ऐसे क्लब से लेके जाऊँ, ये जो है ना ये दोनों का कॉम्बो है। आप लैंड क्रूजर भी साथ लेके जा सकते हैं और लेमोजीन, दोनों का मतलब कि एक कॉम्बो आपको मिल जाएगा। तो मेरे साथ मौजूद है हमाद भाई, वो आपको फर्दर गाइड करेंगे इसका रेंट क्या है, उसके अलावा और बाकी जो है ना उनसे पूछते हैं कि और एक्सपीरियंस क्या आपकी गाड़ी से। जी हमाद भी, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये गाड़ी कहाँ पर खड़ी हुई है, इसका रेंट क्या है और कहाँ से आपने खुद बनवाई है, क्या है क्या है। जी सर, ये गाड़ी खड़ी हुई इस वक्त नाजमाबाद पे अब्दुल्ला कॉलेज के अपोजिट, हमारे ब्रांच से ग्रैंड ट्रांसपोर्ट के नाम से GTS ग्रैंड ट्रांसपोर्ट सर्विस। ये है टोयोटा V8 लेमोजीन और कराची में एक्सपेंसिव गाड़ी हमारे पास अवेलेबल है, टोटल 3 गाड़ी अवेलेबल है। और दूसरी चीज़ जो राइडिंग के लिए ज़्यादा यूज़ होती है पर्पज़ के हवाले से, और फीचर साहब के सामने है, ड्रिंक्स वगैरह भी आप अपने इस पर दे सकते हैं, बल्कि हलाल ड्रिंक्स करना चाहें वो कर सकते हैं। हाँ सही है। साउंड सिस्टम वगैरह भी मैं देख रहा हूँ, LED लगी हुई इसमें, स्पीकर इसमें ऊपर भी लगे हैं, साउंड काफ़ी अच्छा है, लाइटिंग का देख लाइटिंग बट उसका रूप है, मल्टीमीडिया लाइटें चेंज हो जाती है, चेंज हो जाती है। और जो शोफर यहाँ बैठे हुए, ड्राइवर बैठे हुए, अच्छा लेमोजीन जो होती है ना वो यही होती है कि अपार्टमेंट्स के तौर पर इसको डिवाइड किया जाता है, बिल्कुल ही अलग होगा और आपको जो है ना बिल्कुल ही प्राइवेसी मिल जाएगी, आप इंजॉय कर सकते हैं, पार्टीज कर सकते हैं, मतलब बहुत ही एक आप देख सकते हैं पूरा एक रूम बना हुआ है। अच्छा मुझे ये बताइए मॉडल कौन सा है? मॉडल 2020 का मॉडल है। सही है, फेस लिफ्ट वाला है, फेस लिफ्ट है। इसकी एस्टिमेटेड प्राइस भी बता देंगे, इस प्राइस रहेगा 6.5 करोड़ रुपये, मतलब इसकी प्राइस है 2020 मॉडल है। अच्छा जो नॉर्मल आती है लैंड क्रूजर वो तकरीबन 4 का 910 मिलीमीटर की इसकी लेंथ होती है, इसकी इससे डबल लेंथ है, लेंथ में काफ़ी ज़्यादा है। और आपने सिनेमेटिक में भी देख लिया हो, काफ़ी खूबसूरत गाड़ी है। और जब ये अच्छा और चीज़ है, रोड पे चलाना है तो बड़ा मुश्किल होगा, पहले ड्राइवर हम लोग लेके रखते हैं, लेकिन ड्राइवर शादी हॉल जहाँ पे ये आपको मिलेगी फ्यूल के साथ। और कितना मतलब के पूरी एक रात, मतलब रात में वेडिंग करें। सही है। और अच्छा रूट वगैरह स्पेसिफिक रूट आप देखते हैं, गाड़ियों में गाड़ी जाती है रूट पे जाती है, गाड़ियों में बुलाना तो बहुत मुश्किल होगा। नाइट स्पॉट होंगे तो पेड़ आ जाती है, इसलिए कैमरा तो नहीं लगे मेरे साथ, लगे लगे मेरे। अच्छा काम इसलिए तो बहुत लाभ सही है। कैमरा इंजन इसके अंदर कोई चार हज़ार 500 सीसी इसके अंदर जो आसान है, 4.5 सीसी।
और भी गाड़ी काफी अच्छा है, अंदर एसी का फ्लो भी काफी ज्यादा है, एसी के बैक जगह जगह लगे सही। और सीट्स में देख लो ये पूरी एकदम, कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं? काफी कंफर्टेबल है और भी बॉडी रोल नहीं आता ना इसका, एक लग्जरी वाला फील आ रहा है, पूरी लग्जरी जो है ना। और पीछे आपको अगर दिखाएं तो पीछे आप देखेंगे इसमें जो है ना, इसकी अंदर जो दो सीट्स हैं ये बेसिकली मुझे लग रहा है ये जो दूल्हा दुल्हन ने उसके लिए बनाई, उसी के लिए बनाई है ना। हाँ ठीक है, तो उनके लिए दो सीट्स हैं यहाँ पे जो उनके दोस्त वगैरह इंजॉय कर सकते हैं, दो सीट्स। इस पर लैंड क्रूजर, लैंड क्रूजर मेंशन है। और यहाँ पर अगर आगे देखें तो यहाँ पर आपको ये क्या चीज़ दी हुई है, पैनल लगा हुआ है इसका, साउंड सिस्टम का। सॉरी, साउंड सिस्टम का पैनल लगा हुआ है। साउंड सिस्टम यहाँ से कंट्रोल? जी यहाँ से कंट्रोल होता है। अच्छा बीटी, ठीक है। और यहाँ पर इसके क्या क्या ऑप्शन दिए हुए, मूड और जेंस की लाइट कंट्रोल करने के। अच्छा ये देखें, इसकी लाइट्स हो गई और यहाँ एक एवी का बटन दिया हुआ है। एवी कैसे फीचर्स के ये लाइट होगा, चेंज होंगे इससे मल्टी मीडिया होगा। अच्छा वो देखें, वो जो नीचे स्ट्रिप है ना, जी ये होंगे सर, वो सर वीआईपी। और इसके अंदर दो और नीचे अप एंड डाउन के दिए हैं, ये इसके वाले होंगे। अच्छा 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 जी। अच्छा ये मैं देख रहा हूँ, ये इसकी, ये देखें सीट आप एडजस्ट कर सकते हैं जी। ये देखें, ये मेरे ख्याल से फायर सपोर्ट है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो काफ़ी ज़्यादा बहुत सॉफ्ट सीट है, तो देख सकते पीछे जा रहा हूँ आस्ता आस्ता यहाँ। अच्छा ये इसका देख सकते हैं एड्रेस, ही पूरा मूव होके यहाँ पे आता है, आराम से आप रिलैक्स होके यहाँ पे जो है ना बैठ सकते हैं। और इसी तरह से फोल्ड सेम, ये जो ये वाली सीट है इसको भी आप इसी तरह कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी हाइट, और इसको आप आगे लेके आ सकते हैं, ठीक है। और वही पीछे इसकी रहते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत गेम है इसकी जो है ना। आप फ्लोरिंग आप देख सकते हैं पूरा, इनको ना ब्रूनो कलर में इसको किया हुआ है, जो फॉर्च्यूनर के अंदर नहीं आता कलर, वही सेम कलर है, बहुत ही अच्छी सीट इसकी जो है ना, ठीक है। लैंड क्रूजर का तो आपने खींच खींच के लंबाई कर दी है, बिल्कुल स्ट्रेच कर दिया आपने। तो ये अच्छा, इसमें एक टच देख रहा हूँ, ये फैन वगैरह का ना, ये इसके फैन, अगर आप इसे चला तो फैन चला सकते, फ्लो वगैरह का जी 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 कंट्रोल कर सकते हैं। पावर ऑफ मैं दबा दिया इसी का, और ये जो पीछे चल रहा है आगे वाले बंद हो गए, पीछे वाले चल गए। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, और टेम्परेचर भी है सही, आप देखिए मेरे नीचे से आवाज आना स्टार्ट हो गया, एयर कंडीशनिंग पूरी, ओवरऑल पूरी गाड़ी में बेहतरीन है, सही है। गाइज़ अंदर से आपको कैसी लगी गाड़ी कमेंट में लाजमी बताएं, आप GTS को विजिट कर सकते हैं, आप अगर कोई डिटेल लेना चाहते हैं, डिटेल हमारे भाई ने बता दी हमें कि ये इसकी डिटेल्स है, इसकी रेंट क्या है और ये सारा कुछ, नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं GTS से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, लोकेशन के थ्रू आप आके यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। क्या आपके पास CLA भी है? मेरे ख्याल से 2020 हमारे पास, 2020 हमारे पास ग्राउंड है, अच्छा बाइक भी मैंने देखी है, बाइक R1 Yamaha की, वो भी है हमारे पास, मतलब के जो यूजर की जो यूज है, जो उसको चाहिए गाड़ी वो आपके पास सारे प्रोवाइड करें, ठीक हो गया। तो कोई आईडी आपको, कोई मतलब के इरादा है वो रोल्स रॉयस वगैरह मंगवाने का? इंशाल्लाह हमारा प्लान तो है, बाकी अल्लाह का चलो इंशाल्लाह। तो बाहर से ज़रा दिखा देते हैं मुझे, बाहर से करके अंदर से गाइस आप देख सकते हैं लाइटिंग है पूरा, और बहुत ही ज़्यादा दोस्त। माद भाई ये मैं देख रहा हूँ कि ये इसका जो हम ड्राइवर वाली साइड पे आ गए, तो ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है, मतलब के हिसाब से ही बोल रहे हैं कि इसको इंपोर्ट किया है, जापानीज इंपोर्ट नहीं है, जापान की राइट हैंड होती है, यहाँ की जो है ना सही बोल रहे हैं UK की लेफ्ट हैंड ड्राइव है, ठीक है। वही सीट्स हैं इसके अंदर जो के यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं सीट्स टिपिकल, हाँ वो इलेक्ट्रॉनिक जो टिपिकल लैंड क्रूजर में आती हैं सीट्स, ठीक है। ये इसकी ओवरऑल पूरी कैपेसिटी, यहाँ भी बैठ सकते हैं, हाँ बिल्कुल, बड़े हाँ ये भी एक बेहतरीन काम होगा, सही है।
पूरा ही शोफर। अच्छा बात वगैरह करनी हो पीछे ड्राइवर से, एलसीडी जो है यहां पे नीचे डाउन हो जाती है, ये नीचे से डाउन हो जाती है, डाउन भी। अच्छा सही, ये मुझे अगर मैं गलत नहीं हूँ ये रिवो वाली सीट है जी, है ना, टूटा पीरियड नहीं, रिवो रिवो ठीक है। तो मतलब के जो ड्राइवर है वो भी बड़ा एंजॉय होके इसको चलाएगा। मैं ये देख रहा हूँ मिरर वही लगे हुए लैंड क्रूजर की, इनके इसमें मिरर जो है ना पीछे देखना। अच्छा 360 व्यू यहाँ से ऑन होता है, ये इसमें इंस्टॉल तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, रिवर्स पे आएगा। अच्छा रिवर्स पे आएगा ये, ठीक है। ये आ गया इसका रियर कैमरा जो कि बहुत इस गाड़ी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और 360 व्यू ठीक है। हाँ सेटिंग्स में बिल्कुल इसमें होना तो चाहिए, ऐसा हो ही नहीं सकता क्या हो लोग ना डालो, इसमें सेटिंग में लाजमी होगा। ठीक है इसका वही जो लैंड क्रूजर का आता है, सही है। बाकी यहाँ से भी काफ़ी अच्छी, पीछे में ज़रा चले जाते हैं पीछे देखते थे। JBL के इसमें लगाए हुए आपने, JBL के स्पीकर्स में लगे। पीछे जाना उसको ऐसी फोल्ड करके पीछे जाना पड़ेगा, नहीं उसको वाला डोर खुलता है साइड वाला। अच्छा वो वाला खुलता है, वो वाला उस साइड वाला, अच्छा वहाँ डोर लगाया हुआ आपने। भाई ये फ्रंट से इसकी लुक देख लें आप, और आपको मैं लेंथ दिखा देता हूँ। लेक्सस के अलॉय व्हील्स इसके अंदर लगे हुए हैं, आप अगर देखें 20 इंचज के इसके अंदर जो है ना अलॉय व्हील्स दिए गए हैं इसके लिए, और लेंथ आपको मैं दिखा देता हूँ 4900 समथिंग इसकी जो बेस होती है वो उसकी है, और आप इसकी देख सकते हैं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। पीछे से भी आपको दिखा देते हैं ज़रा, ये पीछे से आप देख लें, ये पीछे से कुछ इस तरह का इसका लुक है। पीछे से वही लैंड क्रूज़र रोड पे जा रही है, आपको ये लगेगा नॉर्मल लैंड क्रूज़र जा रही है। जब आप लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे तब आप थोड़ा सरप्राइज होंगे कि यार ये लैंड क्रूज़र को तो एकदम स्ट्रेच करके आप जो है ना लंबा कर दिया। ये 2020 मॉडल, जैसे कि अमार भाई ने बताया मैं आपको। अच्छा आपको मैं एक और चीज़ दिखा दूँ, ये है हमारी बिल्कुल बेसिक लैंड क्रूज़र, नहीं 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 ठीक है, बेसिक लैंड क्रूज़र, और ये आ जाती है हमारे पास। अच्छा जब वो बम प्रूफ है, सही है। आप लोगों ने सही 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 आपने किट लगाई हुई है, ऑफ रोडिंग किट जो लगाई हुई है बम्पर के साथ, सही है। हाँ याद देखते हैं ये प्रॉपर लैंड क्रूज़र, मैं आपको उसकी लेंथ दिखा देता हूँ कि जो सिंपल लैंड क्रूज़र है वो यहाँ आके ख़त्म होती है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये सिंपल लैंड क्रूज़र है, और ये आ जाती है हमारे पास लेमोजीन। अब डिफरेंस देख सकते हैं कि बेसिक लैंड क्रूज़र और इस लेमो लैंड क्रूज़र में कितना ज़्यादा लेंथ का फ़र्क है, अमेजिंग। तकरीबन डबल से थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है ये, 4910 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है। अच्छा ये बात भी कैसे ओपन होगा, ये चंदर से मैं आपको पीछे सीट पे दिखा देता हूँ। अच्छा यहाँ से अंदर वाले हैंडल से ओपन, ओके ओके ओके। गाइस ये जो इसका दूसरा है ये पीछे वाला डोर ड्राइवर के, ये भी डोर ओपन हो जाता है, आप इसमें बैठ सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और अगर आपको पीछे से बात करनी है, ये इसमें कुछ कंट्रोल जमात भी दिए हैं। अच्छा ये पूरी जो है ना इसमें कुछ कंट्रोल आप देख सकते हैं, वॉल्यूम वगैरह चैनल, और ये पूरा ये कार्डबोर्ड यहाँ पे लगाया हुआ है, तो काफ़ी अमेजिंग है। और ऊपर भी यहाँ कुछ कंपार्टमेंट्स हैं, यहाँ लाइट दी गई है, यहाँ पे कह रहा आप विंडो हटा के ड्राइवर से बात वगैरह भी कर सकते हैं। और ये बुलेट प्रूफ हमारी आ गई लैंड क्रूज़र, प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी है भाई ये,
यहाँ देख सकते हो। सो गाइस दिस इज द वीडियो, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल शाओल जावेद एसजे को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और GTS जो ग्रैंड ट्रांसपोर्ट सर्विस है उसको भी आप मतलब के फेसबुक पेज पे भी जाके फॉलो कर लें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, लोकेशन पे आके आप विजिट भी कर सकते हैं नाजमाबाद में। इनकी ब्रांच और भी काफ़ी जगह ब्रांचेज हैं, लेकिन नाजमाबाद में अगर आप स्पेसिफिकली अगर ये लैम्बोर्गिनी को देखना चाहते हैं लैंड क्रूजर, तो आप नाजमाबाद वाली ब्रांच पे आके इसको देख सकते हैं। उनको कॉन्टैक्ट करके प्रॉपर डिटेल्स लेना चाहते हैं, अगर आप किसी वेडिंग इवेंट करना चाहते हैं उसके लिए बुक करवाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।